दुकानें, लेकिन कल ललन सिंह का बयान आया कि छोटी दुकान का क्या फायदा। देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका जो भी इरादा रहा हो कहने का हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दुनिया के लोग कह रहे हैं और साधारणतया यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि दुकान का मतलब होता है खरीद पोक्त, तो वो माफ़ करेंगे, खरीद पोक्त में वो लोग विश्वास करते हैं और यही किया है वो लोग। हम लोग कभी खरीद पोक्त की बात नहीं की है, हमारी दुकान ये नहीं रही है। हम जनता के हित में जब मुख्यमंत्री के रूप में 34 निर्णय लिए थे, उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का गठन किया और उन्हीं निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्टी का हम लोग निर्माण कर कर के काम करते रहे, नीतीश कुमार का समर्थन किया। लेकिन अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हैजर्डली इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था और जनता, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाज़त दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं रहना है। और ख़ास करके मर्ज करने का जो प्रस्ताव आया था कि पार्टी में मर्ज कर जाइए, तो ये हम लोगों को गवारा नहीं था। इसलिए आज हमारे लोग जब इस्तीफा संतोष कुमार दिए हैं और ये निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। और इसके लिए हमारे लोग आज जुबिलियंट हैं, आज फटाका फोड़ रहे हैं कि मांझी जी ने अच्छा निर्णय लिया है। कल प्रेस चुनाव लड़ेंगे सर? अब तो 18 तारीख को जब हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाई है और कार्य समिति की बैठक में निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। जदयू सर, जदयू ये कह रहे हैं कि हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो इतना सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मांझी जी चले गए, ये अपने आप में समझ से बाहर है हमारे लिए। हाँ, ज़रूर समझ से बाहर उनको होगी और हम किसी का खिलाफत नहीं करते हैं। हम राजनीति में सबको सम्मान देने के लिए आए हैं और सम्मान देते हैं, हम नीतीश कुमार को भी सम्मान देते हैं। लेकिन एक ही प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूछते हैं, जब जीतन मांझी 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रहा, कौन ऐसी गलत काम थी जिसके लिए उन्होंने गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्य करवा करके हमको बाध्य किए कि साहब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे? क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का हक होता है लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का, और हम नेता थे और हम बैठक बुला चुके थे 19 फरवरी 2015 को, उस बैठक में निर्णय होता। लेकिन कौन ऐसी बात आई कि शरद यादव को मिला करके उन्होंने 13 फरवरी को बैठक बुला ली और हाई जल्दीबाजी में उसी में निर्णय उन्होंने ले लिया? तो गलत फहमी तो उन्होंने की है, उनको लगा कि जीतन मांझी ऐसा न करेगा तो दिक्कत होगी। और बात सही है, 15-19 फरवरी को जब राज्यपाल महोदय को हम इस्तीफा देने गए थे, उस समय मेरे पॉकेट में लेटर था कि असेंबली भंग कर दें अगर हम में महत्वाकांक्षी होती कि हम और मुख्यमंत्री रहे, तो हम 6 महीना तो मुख्यमंत्री रह ही सकते थे, हम कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहते अगर असेंबली भंग करा देते तो। लेकिन हम भंग नहीं किया, हमने इस्तीफा देना उचित समझा। तो ये जवाब उन लोगों को है, अगर ये कहते हैं तो वो गलत कहते हैं कि कोई महत्वाकांक्षी बात को लेकर के हम चलते हैं, हम जनहित में चलते हैं। जनहित में वादा किया था हमने, किया था कि भाई किसान को 6-5 एकड़ ज़मीन रहने वाले किसान को बिजली माफ़ करो, नीतीश कुमार से कहते रहे, आज तक उन्होंने नहीं किया। जनता हमसे पूछती है कि आप सरकार में हैं क्यों नहीं माफ़ हुआ? हमने निर्णय लिया था कि बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के बच्चियों का फीस माफ़ कर देंगे। नीतीश कुमार आज जो डेफिसिट ग्रांट होता है कॉलेज में नहीं दिए हैं, इसलिए बहुत से बच्चियों का रिजल्ट अघोषित हुआ है और उनका प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें हमने निर्णय लिया था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देंगे,
खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। हम गरीबों को एक एकड़ जमीन देंगे, खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। नीतीश कुमार कर रहे हैं क्या? ये सब बात न कर रहे हैं। इसीलिए लोगों ने हमसे कहा कि साहब अब आप अगर हैं तो जानबूझ करके नीतीश कुमार से आप मिले हुए हैं, आप अपना वादा को भूल गए हैं। और तीसरी बात, आज देख रहे हैं कि दारू की नीति है, शराब नीति है। शराब नीति ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है? 70% गरीब जो मामूली है, एकाद बोतल या आधा बोतल पीता है, उसको जेल में भरा गया है। क्योंकि उससे पैसा मांगा जाता है, वो पैसा नहीं देता है, इसलिए वो जेल में चला गया है 70% लोग। उसके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं उसका फिक्र है नीतीश कुमार जी को? इसके लिए हम कहा है, असेंबली में बोले हैं, पेपर के माध्यम से बोलते रहे, आप लोग ही सब जानते हैं, लेकिन तो सुने नहीं। आज बालू की नीति है, समूचा रोड खराब हो रहा है, जहाँ 20 टन ले जाना है 60 टन ले जा रहे हैं। और वैशाल नदी जिसका बेड था अगर 1 फीट गहरा और जिसमें पानी आता था तो खेतों में जाता था, आज वो 3 फीट गड्ढा हो गया। अब 2 फीट भी पानी आएगा तो उसमें नहीं जाएगा। आज हजारों हजार किसान मारे जा रहे हैं और उनका खेत बंजर पड़ रहा है। इस माने में भी खास करके हमारे इमामगंज डुमरिया बांके बाजार में हो रहा है। हम मना किया, हम निर्णय उनसे अनुरोध किया कि आप बालू उठाओ बंद कराइए, लेकिन उन्होंने बंद नहीं कराया। तो आखिर हम भी जनता के लिए किया है, जनहित में किया है, महत्वाकांक्षी के लिए कुछ नहीं किया है। और फिर पुनः दोहराते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी जीतन मांझी में रहता तो 19 फरवरी को रिजाइन नहीं करता, वो असेंबली को भंग कर देता। संतोष सुमन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो डिपेंड करता है नीतीश कुमार पे। कल ललन सिंह कहते हैं उन्होंने तुरंत आप लोगों को महागठबंधन से आउट कर दिया, एक ही बार में कह दिया। देखिए ये भी आप लोग भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, जानबूझ के भुला देते हैं। हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ थे। तो नीतीश कुमार के साथ हम हटे हैं, महागठबंधन में रहे या न रहे, ये जो कहता है तो फालतू बात कहता है। हम महागठबंधन में कब थे? हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन से मतलब नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये खुल करके बोले हैं, आप लोग इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? विपक्षी एकता पर आपके निकलने का असर पड़ेगा क्या? अब वो सब आगे की बात है, हेतु हेतु मजबूत की बात मैं नहीं करता हूँ, भविष्य के गर्भ में है, 23 के बाद आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।